जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 6 अप्रैल हनुमान जयंती को देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। कई लोग इसके लिए उपवास या व्रत को धारण करते हैं। लोगों में हनुमान जयंती को लेकर हमेशा से उत्साह देखा गया है। लोग बड़े मन से इस दिन बजरंग बली की आराधना करते हैं। अगर आप भी बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त हैं तो भूल कर भी ये गलतियां ना करें। सूतक काल में ना करें पूजा। भगवान हनुमान की सूतक काल में पूजा नहीं करनी चाहिए। सूतक काल ना केवल ग्रहण के 12 घंटे पहले बल्कि घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर भी लगता है। स्त्रियां ना करें भगवान की प्रतिमा को स्पर्श। इस दिन स्त्रियों को भगवान की प्रतिमा को स्पर्श करने से बचना चाहिए। भगवान बजरंगबली खुद स्त्रियों के स्पर्श से बचते थे। इस दिन ब्रह्मचर्य का पूरा पालन किया जाता है। चरणामृत का प्रयोग ना करें। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भगवान बजरंगबली की पूजा में चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इस दिन चरणामृत का प्रयोग ना करें, इससे बचें। दिन में ना सोएं। यदि आपने हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में व्रत रखा है तो भूल कर भी दिन में ना सोएं। काले सफेद कपड़ों का प्रयोग ना करें। भगवान की पूजा में बैठते समय काले और सफेद रंग के कपड़ों का प्रयोग ना करें। पूजा में पीले या फिर लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग करें। खंडित मूर्ति का उपयोग ना करें। बजरंग बली की मूर्ति में भूल कर भी खंडित या फिर टूटी मूर्ति का प्रयोग ना करें। नमक का सेवन ना करें। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में व्रत रखने वाले लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो नमक का सेवन ना करें और इस दिन दान की गई वस्तु का सेवन करने से भी बचना चाहिए। घर में शांति बनाए रखें। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में घर में किसी भी प्रकार का कलेश करने से बचिए। वैसे तो हमेशा ही बचिए, लेकिन इस दिन खास तौर पर, और अपने घर में शांति बनाए रखिए। मांस मदिरा का सेवन ना करें। हनुमान जन्मोत्सव के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद लोगों को मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। बिना स्नान के ना करें पूजा। सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा से पहले स्नान का कर्म बताया गया है। हनुमान की पूजा करने से पहले आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, तभी हनुमान जी का पाठ और पूजा करें। तो कमेंट सेक्शन में कहिए जय बजरंगबली। हिंदी 18 न्यूज़।